मिल गया मेरा बरसों का खजाना जिसका मुझे इंतजार था। कौन है वहाँ? कौन है? यह कहानी बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील के एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब परिवार का लड़का रहता है जो कि खजाने की रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा हूं यार गिरवे। भैया भैया ये डेविड के घर है। हाँ बैठे। हाँ भैया रुको मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ भैया ठीक है थैंक यू भैया। डेविड कुछ काम था यार, कोई काम करने वाले मिलेंगे क्या? हाँ भैया मैं बोलो ना। तू तो पढ़ाई कर रहा था ना? नहीं भैया मैं थोड़ा घर का हालात खराब है ना, इसलिए मैं ही करूँगा। बताओ मैं। अच्छा तो ठीक है, मेरे घर है इधर साइड में, ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ साफ सफाई करना था। जी ठीक है। ठीक है तो कब आ रहे हो? कल। कल ठीक है। और भाई कहाँ जा रहे थे? सब बस भाई आज मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा वैसे भी लेट हो गया भाई, निकलता हूँ। मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी। ये कोई टाइम है तुम्हारा आने का? सॉरी सॉरी ना बेबी, कुछ काम आ गया। तुम्हारा तो हर हमेशा काम ही काम, आप सब कुछ खत्म। अब मैं तेरे जैसे गरीब गवार के साथ नहीं रह सकती। मैं तुमको इसीलिए बुलाई थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सब जो मेरा प्यार था, जो मेरा यार था, जो मेरा प्यार था, जो मेरा यार था, छोड़ कर साथ मेरा मुझे अब जिंदा ही नहीं रहना है। इस गरीबी के कारण मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई। रस्सी कहाँ है? कहाँ है रस्सी? ये क्या है? इसी बारे में तो दादाजी मेरे को कुछ सिखा रहे थे इसी गेम में। समझ नहीं आ रहा, बाहर जाके देखता हूँ। ये तो वही नक्शा है जिसके बारे में दादाजी बताया करते थे। अगर ये खजाना हमें मिल गया तो
हम बहुत अमीर हो सकते हैं। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सबसे अमीर हो जाएंगे। हे भगवान जी, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई को खुश रखना और जो मैं पाना चाहता हूँ उसको पाने में मेरी मदद करना। सर जी मैं 3 दिन हो गए मेरे बेटे ना पता है। हाँ तो ये तो पुलिस केस है, इसलिए तो बताने की तैयारी थी। मतलब कहाँ कैसे गया हुआ? कुछ लोग बता रहे थे कि जंगल की ओर गया है, देखे थे इस तरह से बता रहे थे। मतलब जंगल की ओर गया ऐसा बता रहे थे। कितने उम्र है आपकी बेटी? 18 साल का। कैसे लिखते हैं? ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग होकर फोटो जी छोटू पानी ला। जी सर। दीदी पानी। क्या आपकी बेटी की? डेविड। हाइट कितनी? 5 फीट। 5 फीट ठीक है। हम लोग हमारी टीम के साथ आज निकलते हैं, आपका बेटा मिल जाएगा। ठीक है ना जी, आप जा सकते हैं। आरके को कॉल कर लेता हूँ। हेलो। हाँ सर जी। कहाँ पर हो आरके जी? मैं थोड़ा बाहर था सर। कोई केस आया था यार, कोई डेविड नाम का लड़का लापता हो गया हमारे जंगल में। हाँ सर, मैं आ रहा हूँ ना सर। तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, तो जल्दी आना, 10 मिनट के अंदर आ जाओ। हाँ सर, मैं 10 मिनट। हाँ 10 मिनट के अंदर आओ, फिर बाकी केस की डिटेल्स मैं देता हूँ। हाँ सर। आवाज दीजिए। जय हिंद सर। जय। तो आरके जी, एक डेविड नाम का लड़का है जो हमारे जंगल में लापता हो गया लगभग 3 दिन से। हाँ सर। उनकी मम्मी आई थी, उन्होंने मतलब बताया 18 साल उम्र है लड़के की, डेविड नाम है, 5 फुट हाइट है। हाँ सर। तो आज ही निकलते हैं अपनी टीम के साथ। हाँ सर, आज ही निकलना पड़ेगा। तो आपको तो पूरा जानकारी होगा जंगल का। मैं यहाँ नया नया आया हूँ तो मेरे को पता नहीं होता। हाँ सर, मैं ले जा लूंगा। ठीक है। हाँ सर। छोटू पानी लाना। जी सर। पानी पिए। मैंने सुना यहाँ का जगह थोड़ा ठीक नहीं। हाँ सर, थोड़ा खतरा है, जाने वाला आतंकवादी घूमते रहते हैं। अच्छा, मतलब अपने को अपने हथियारों के साथ जाना पड़ेगा। अपने हथियारों के साथ निकलना पड़ेगा।
ठीक है, आज शाम से निकलते हैं अपने टीम के साथ निकलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है सर, अपनी टीम के साथ निकलते हैं। ठीक है आज की ताज़ा खबर कोटजगांव से निकल कर आ रही है। डेट नाम का लड़का 3 दिनों से लापता है, उसे ढूंढने की जिम्मेदारी वन विभाग कर्मचारी को दिया गया है। अगर वहां लड़का किसी को भी दिखाई दे तो वन विभाग कर्मचारी को संपर्क करें। धन्यवाद। इधर गया होगा यार आज, शायद इधर ही गया होगा सर, इधर से पता करना पड़ेगा। ठीक है चलो इधर ही चलते हैं। नहीं यार आर के चलते रहे हम। आर के जी हथियार लाए हो ना? हाँ सर। गाइस इसी वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट पार्ट लाना है या नहीं। बाय बाय फिर एक बार।